शाम का समय है, एडिटिंग कर रहे थे, एडिटिंग कर भी ली थी और अपलोड लगाने लगे तो नेट चला गया। 6:21 हो गया है, इफ्तार का टाइम हो रहा है, 4 या 5 दिन बचे हैं ईद को। बाकी जो लॉग में आप वीडियो देख रहे हैं वो तो आई चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद उम्मीद है कि जो चांद रात वाला दिन होगा, मतलब फ्राइडे को उम्मीद है कि अलविदा हो, चांद रात एक ही दिन हो जाएगी, तो जो वो वीडियो होगी कितना रश होगा नखास अकबरी गेट के एरिए में, भीड़ भी उतनी होगी, मतलब इतने दिन से भीड़ है, रोज़ हो रही है, कितने भी लखनऊ में मॉल बन जाए, मल्टी कॉम्प्लेक्स बन जाए, लेकिन जो नखास अमीनाबाद और अकबरी गेट चौक का एरिया है वो वैसे ही रहता है, क्योंकि वहाँ लेडीज शॉपिंग ज़्यादा होती है और फुटकर शॉपिंग ज़्यादा होती है, तो वो भी कवर करेंगे इसके बाद। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, इफ्तार कर ले, इफ्तार करने के बाद फिर जो घर का छोटू पुटू सामान लाना है वो ले आते हैं और फिर निकलेंगे कलीम भाई के पास। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक कि मेरी चरखी रखी हुई है, उनकी शॉप है काइट की, लेकिन वो वहीं हम भूल गए तो उसको उठाया नहीं, इसका टाइम आ रहा है, पतंगबाजी भी होगी तो उसको उठा लाते हैं। और वो चरखी भी मैंने कहीं बाहर दिल्ली से बनवाई थी, बहुत बढ़िया खूबसूरत चरखी, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इफ्तार कर लेते हैं और फिर घर का सामान लाते हैं, घर के बाहर का माहौल और आगे की जो वीडियो होगी वो ये कैमरा माउंट से हो जाएगी। अभी तक यही दिक्कत होती थी, जब अकेले निकलते थे तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं होता था, लेकिन अब ये हेलमेट माउंट की वजह से आगे की जो वीडियो की, जो घर का सामान लाना है, कहाँ जा रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो निकलते हैं, बाइक इसको लगा लेते हैं, मोबाइल को हेलमेट माउंट में। माउंट को दोस्तों और टाइट करना पड़ेगा, गड्ढा गड्ढा आ रहा तो हल्का हल्का स्लिप हो रहा है। बॉस वालेकुम सलाम, तो खैरियत है? ठीक हो रहा है यार, और बताओ? टॉस दे दो छोटा वाला, अभी नया है, हिल रहा है ना, स्लिप हो रहा है, टाइट करना पड़ेगा और ज़्यादा। हाँ भैया वो दे दो यार, सेंटर फ्रेश पूरा स्टिक दे दो, एक दो, एक दे दो बस। इधर देखो भैया क्या लेंगे, अरे खूब पसंद करेंगे। हाथ पैर तो सही हो, हाँ एक दे दे, अंडा एक, हेलमेट माउंट वाला चल तो रहा है लेकिन स्लिप कर रहा है, इसको एक बार बैठ के सही से टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा जब आ रहा है तो धीरे धीरे खिसक रहा है, जिसकी वजह से कैमरे का जो एंगल है वो भी बदल रहा है। इंडिया में अभी भी आदमी कैमरा लगा के चल रहा हो, ऐसे घूरता है कि जैसे नई चीज़ देख रहा है एकदम। रोड की तरफ चल रहे हैं, मेन रोड, हरदोई रोड है ये, अभी वापस घर की ओर जाना है और जो सामान लेना है सब ले लेते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, लग रहा है कुछ हो गया है।
पार्टी का प्रचार चल रहा है भाई, सभासद का इलेक्शन आ रहा है, नगर निगम में एरिया आ गया, प्रधानी हट गई है इस एरिया से, अब आदमी स्कीमें समझाना अपनी शुरू कर रहा है, हमको वोट देंगे तो आपको ये मिलेगा घंटा। यह दूध डेयरी जहाँ सलमान खान और करीना के जूस पीते हैं, एक बार आपको पहले दिखा चुके हैं, रेनोवेट हो गई है थोड़ी बहुत, दूध ले लेते हैं यहाँ से, दूध दही बढ़िया मिल जाता है, दूध 2 लीटर दूध और क्या था, दही आधा लीटर, आधा किलो दही, और पुराने कितने बाकी थे, 140 बाकी नहीं थे, वहाँ भूल गए, हमें देना है, पहले दे दो सब, क्या हुआ बेटा, ये 500 का लिया था लाल बाग, यही लगाते हैं, यही आते ही है। आधा किलो लो, लो झोले में रख लेंगे, झोला है नहीं कर, कैमरा माउंट हिल रहा है थोड़ा सा, खिसक रहा है, स्लिप हो रहा है गड्ढे में आने की जैसे, तो घर तक पहुंच जाए, सामान रख दे, उसके बाद कैमरा निकाल लेंगे माउंट से, और कलीम भाई के बाद जब पहुंचेंगे तब इसको एक बार सही से टाइट करेंगे, क्योंकि हिलता रहेगा तो काम बनेगा नहीं। जैसे स्विमिंग पूल एक आदमी एक बार में आएगा, ये हाल है, बस इंतजार है यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी वाड़ी फंसे तब मजा लिया जाए। तो कैमरा यहाँ बंद करते हैं और सीधे आप कलीम भाई के पास पहुँचेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तेरा मेडिकल कॉलेज मेन रोड पे आपने देखा, ईद का टाइम है, इतना ज़्यादा रश है, इतनी किस रास्ते से चल, एकदम सुनसान, 8-9 बजे से पहले तो इधर आ जाइए या निकल जाइए, कहीं भी आना जाना हो, लेकिन रात के समय आने वाला है नहीं, देखे कुछ नहीं, ना लाइट है ना कुछ है, सरकारी योजना के अंतर्गत आ गया है वतन कुछ योजना, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन है इसलिए लाइट वाइट लगी नहीं, खंभे तो सब लग रहे हैं। क्या कलीम भाई क्या आइडिया बता रहे हैं, फॉर्म लगा दे, हिलने लग गया, देखिए अभी रास्ते में लगाया था फिर स्लिप हो रहा है, देखिए पूरा पूरा ये देखिए हिल रहा है, भारी मोबाइल पड़ रहा है, फॉर्म यहाँ से यहाँ तक लगा दे, यहाँ तक चिपकवा दे, चलिए जुगाड़ देखते हैं, फॉर्म लेते हैं, इसको टाइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और देखिए कलीम भाई ले आए मुन्ना भाई के पास, यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ टाइट हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ जो जो ढीला है। वालेकुम सलाम मुन्ना भाई, सब खैरियत है, हमारे पास वीडियो बनाने के लिए हेलमेट वो लगवाया था जी जी, अब वो मोबाइल इतना भारी है कि वो डगमगा डगमगा हिलता रहता है, पतला बना कुछ रहे हैं, बना ये रहे हैं, आ जड़ रहा है, तो वही कहने लगे चलो मुन्ना भाई फॉर्म लेके पूरा उसको टाइट से बांध देंगे तो रुका रहेगा। हाँ तो बताइए सब खैरियत है, शौक नहीं हो रहा है क्या, बाइक रख के रखे फटा जा रहा है, अरे भाई देख रहे गरम फॉर्म रख दिया कलीम भाई ने पूरा पूरा, कह रहे हैं आज इतना टाइट कर देंगे जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, नहीं खुलेगा, एडजस्ट कर रहे हैं एकदम बराबर, बहुत बढ़िया कलीम भाई, आप कलीम भाई को इसके लिए कुछ खिलाना पड़ेगा, हमको ठंडा पिलाएंगे क्या कलीम भाई, ठंडा भी नहीं पिएंगे, चलिए साथ देते हैं क्योंकि बन नहीं पा रहा, अकेले स्टेप खींचना है, तो कैमरे को बंद करते हैं और साथ में खींच के टाइट करके देखते हैं, फिर इसको काट के भी टाइट करना पड़ेगा, इसको जैसे ये देख रहे हैं सिला हुआ है, इसको काट के आधा करिए, काम करें क्योंकि हम ये होता है टैलेंट रोज के काम करने वाले का, मान लो छोटा बड़ा हो जाए, कोई ज्यादा मोटी तो नहीं है, नहीं इतना करना है ना, हाँ हाँ बस हाँ सही इतना कर देंगे तो खिंचाई बन जाएगी, मुन्ना भाई थोड़ा स्टेप छोटा करेंगे, स्टेप बड़ा है तो जिस वजह से जो कह सकते हैं टाइट कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक लग रही है, ये सब आपको भी कराना पड़ेगा जो भी वीलॉग माउंट के लिए ले रहे हैं। तो ये कलीम भाई ने देखे टाइट तो कर दिया फॉर्म लगा के बढ़िया से, और मुन्ना भाई ने स्टिचिंग भी कर दी इस पर,
तो देखते हैं कब तक टिकता है, हिले ना हिलेगा तो फिर खोलना पड़ेगा, फिर टाइट करना पड़ेगा। कुछ गेम ऐसे हैं जो बहुत से लड़कों ने खेले ही नहीं होंगे। कंचे चला गया गाड़ी के नीचे। जिस जिसने कंचे खेले कमेंट में बता दे, वरना यही समझेंगे सब मोबाइल खेलने वाले ही हैं। कहाँ जा रहे हैं अड्डू भाई? ये चोरी वाले के पास जा रहे हैं, चोरी में कहा चरखी पलटने को। हाँ बेटा ये चरखी, हम अपनी चरखी लेने आए थे, ब्लॉग में ये बोला था। ये रहे कलीम भाई ने हमारी चरखी, भैया कहाँ है हमारी चरखी वर की? ये देखिए सवाल भैया, चलो शटर खोलो पहले चरखी पलट दो, लोगों को देखनी है दिल्ली की कौन सी चरखी है मेरी। चलो भैया और दुकान चलते हैं। इरफान भाई कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने? चूड़ी वाले के पास। चूड़ी वाले के पास चाय पीने? तो निकलते हैं भैया मुन्ना भाई के पास से। माउंट लग गया है। अड्डू भाई पतंगड़ आने जा रहे हैं सुबह की, करने वाले यार टेपिंग है। चाय नहीं पियेंगे यार, निकल रहे यार, देर हो रही 9 बज रहा है। चलो भैया तुम चलो पहले, चलो चरखी पलटो चल के आओ। चलो और ये रहा हमारे मुन्ना भाई, सोफे का काम है, कुछ आइडिया था हमको नहीं। मुन्ना भाई अपना नंबर बता दिए, क्या पता किसी को रिपेयर कराना हो या कुछ नया बनवाना हो सोफा। 8318669313 ये नंबर है मुन्ना भाई का। बेड सोफ़ा जो चाहे आप बनवा सकते हैं। इनके दो तीन कारखाने हैं, एक यहाँ पे है ठाकुरगंज में, एक कहीं आगे की तरफ है। सबका बना देंगे बेड, सब बना देंगे मजबूत बेड इंशाल्लाह। कली भाई बताए थे बेड बहुत जो है शोरूम करने जा रहे हैं। अच्छा कागोरी में करने जा रहे हैं, चलिए उधर से करीब रहेगा, ओपनिंग होगी फिर आएंगे। कुछ हेलमेट के पीछे से बता रहे हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं भैया, तुम चलो पहले चरखी पलटो हमारे। और ये कलीम भाई कुल्लड़ वाली चाय ले आए, बढ़िया है चाय, एक नंबर। चलो पी के देख लेते हैं। सही है, चरखी पलट दो, कह रहे हम बहुत थक गए हैं। चांद रात में लीजिएगा, दुकान देखिए पीछे वाली है बंद करे हुए हैं। अब चांद रात में आएंगे जल्दी, चरखी पलटवाएंगे पहले अपनी, उठाएंगे उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अकबरी गेट नकार। ये हमारे शंभू भाई बासी सब्जियाँ रखते, बासी सब्जी रखे हैं ना शंभू भाई? कौन कौन सी बासी सब्जी है? सब बासी है तो फिर नहीं लेंगे, ताज़ी रखते तो लेते। कल आएंगे आराम से लीजिए, कल आए कल अब इतनी दूर हम आएंगे यार। आलू दे दो, अच्छा फिर 2 किलो आलू दे दो। ये देखो ये शंभू भाई का बैगन, शंभू भाई का बैगन है ये, हाल लटक रही आ गई, शंभू भाई जैसा हो गया है ना, सूख गया। कलीम भाई की जो पतंग की शॉप है ठीक उसके सामने दुकान है, सारी बासी सब्जियां रखे हुए हैं। यहाँ से आइए ले जाइए बासी सब्जी आधे रेट पे। फ्री में वो कह रहे हैं। शंभू भाई 115, चलो भैया पैसे दे शंभू भाई को, सब बासी सब्जी हमने खरीद ली शंभू भाई, सब लिख ले यहाँ से। कैसा है शिकंजी? बहुत बढ़िया शंभू भाई, शिकंजी भी बनाते हैं सब्जी, चाहे जैसी बेचे बासी ताजी, शिकंजी बहुत बढ़िया बनाते हैं। नींबू जब खुद चिल्लाता है कि बस अब बस करो तब छोड़ देते हैं नींबू को, मतलब नींबू पूरा मसल देते हैं ना शंभू भाई। ठाकुर की कौन सी गली कहलाती बता दो, लोग आके पी तो सके जो ठाकुरगंज में रहते हो। एच बी पैलेस में देखिए ढाल है, जैसी चढ़ाई करेंगे राइट हैंड की तरफ एच बी पैलेस से पहले ये पतंग की दुकान है। और ये हमारे शंभू भाई नींबू घिसते हुए, मतलब बर्फ घिसते हुए नींबू निचोड़ रहे हैं, और ये सब्जी की दुकान है। और ये चड्डा पहने रहे, गर्म हो रही ना इसलिए चड्डा पहने रहते हैं। चले भैया कैमरा माउंट पे लगा दिया, देखते हैं हिलता है कि नहीं। सब आ रहे हो भाई, ये जोयो के फैन हैं क्या? चलो गली निकल ले यार,
एमसी स्टैंड। चलो फिर तैयार रहना का चांदा वाले दिन चलना तो ठीक है। चलो भीड़ देखिए शिकंजी पीने के लिए कितने लोग आ जाते हैं रात में। बढ़िया शिकंजी वैसे बनाई शंभू भाई ने। सड़क पे क्रिकेट खेले ले रहे हो तो घर के बहुत करीब आ गए हैं। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीलॉग जो होगा वो वही चांदा कंदीदा वाला होगा, जिसको कवर करेंगे और दिखाते हैं ईद से एक दिन पहले कितनी रौनक रहती है लखनऊ के चौक अकबरी गेट खास एरिया।